नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विदेशी ट्रेवलर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंटरनेशनल ट्रेवल टिप्स। पहली टिप्स मनी। पैसा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी आप देश में जाएं तो उस देश में कंट्री में जाने से पहले आपको क्या करना होगा कि एक आइडिया लगाना होगा कि वहाँ पे कितना एक्सपेंस होने वाला है मेरा, और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ कैश लेके जाएंगे और कुछ प्लास्टिक मनी आप लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक मनी में आप डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसके अलावा जो ट्रेवल कार्ड है वो भी यूज कर सकते हैं ट्रेवल। और लेकिन डेबिट और क्रेडिट जो कार्ड हैं वो कार्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होने चाहिए। अगर आपके एक्सेप्टेड नहीं है तो आप उनको पहले से ही इनेबल करवाएं। ट्रेवल कार्ड की अगर बात करें तो मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने थॉमस कुक का ट्रेवल कार्ड लिया हुआ है और मैं वन करेंसी ट्रेवल कार्ड यूज करता हूँ, जिसके अंदर मैं डॉलर रखता हूँ और उसी में सबको पे करता हूँ, क्योंकि डॉलर है वो एक स्टैंडर्ड करेंसी है। कैश की बात करें तो कैश आप नियरेस्ट जो भी आपका एक्सचेंज पॉइंट है वहाँ से आप एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप एक्सचेंज करवाने जाएंगे तो, और जब भी आप अपने ट्रेवल कार्ड है उसके अंदर टॉपअप करवाने जाएंगे US डॉलर या अदर कोई करेंसी, तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपका पैन कार्ड है, ID प्रूफ है, साथ में आपका ट्रेवल टिकट है, इसके अलावा पासपोर्ट। ये बेसिक चार चीज़ें हैं वो मांगते हैं, ये होंगी तभी वो आपको कैश है कैश या फिर आपका जो प्लास्टिक मनी है वो आपको दे पाएंगे, अदरवाइज़ नो। दूसरी चीज़, जब भी आप कैश लाने जाएं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी, छोटा नोट लें। मैं जब यूरोप गया था तो मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। 500 यूरो मेरे को करेंसी एक्सचेंजर बोला कि सर हमारे पास चेंज नहीं है, तो 500 का है, तो मुझे पता नहीं था, मैंने 500 ले लिया। और 500 मतलब 40,000 रुपये, और मैं 40,000 रुपये वॉलेट में लिए घूम रहा हूँ, तो दैट इज़ द वेरी रिस्की। तो और दूसरी चीज़, अगर हम हाई बड़ा नोट हम ले भी लेते हैं तो वहाँ पे अगर हम उसको चेंज करवाते हैं तो उस चेंज करने के भी वो नॉर्मली 30-40 यूरो हैं वो ले लेते हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी हम यहाँ से जाएं तो करेंसी ज़्यादा बड़ी ना लें, छोटे छोटे नोट लें, ये चीज़ ध्यान रखनी है। मेडिसिन, अगर आपके साथ में फर्स्ट एड किट है नहीं है तो वो साथ में कैरी करें, और आपकी जो बेसिक मेडिसिन हैं जो डे टू डे लाइफ में आप यूज करते हैं वो साथ में लेके ज़रूर जाएं। होटल बुकिंग, हमेशा ट्रिप पे जाने से पहले जैसे ही आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक करने के जस्ट बाद में आप होटल बुकिंग कर लें। जो अगर आप बजट ट्रेवलर हैं, आपको बजट में घूमना है, तो आप होटल की जगह हॉस्टल बुक कर सकते हैं। कहाँ से बुक करना है, booking.com है, वहाँ से बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे दिया है। और अगर आप ग्रुप के अंदर जा रहे हैं, फैमिली के साथ में जा रहे हैं, तो आप अपार्टमेंट ले सकते हैं। अगर आपको अपार्टमेंट लेना है तो Airbnb से आप ले सकते हैं। Airbnb का भी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से साइन अप कर सकते हैं और होटल है वो बुक कर सकते हैं। यूजफुल ट्रेवल ऐप्स, ट्रेवल ऐप्स की बात करें तो अपना गूगल मैप है, maps.me है, maps.cj है, ये कुछ बेसिक ऐप हैं जो आप इंस्टॉल करें, और जिस भी आप कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री का एडवांस में ही आप मैप है वो डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे अगर आपके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं भी है तो उस केस में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सारे के सारे रास्ते हैं वो देख सकते हैं। इंटरनेशनल रोमिंग, अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो इससे पहले आप इंटरनेशनल रोमिंग है वो एक्टिवेट करवा सकते हैं। नॉर्मली 7-8 डेज के लिए 149 रुपीज़ लगता है इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट करने का, लेकिन फिर वो वापस आके हमें डीएक्टिवेट भी करवानी होती है। अगर आप पोस्टपेड कनेक्शन यूज़ करते हैं तो आपके पास मैसेज है वो इजीली रिसीव हो जाएंगे, और इंटरनेशनल रोमिंग में भी यही होता है कि जैसे आप एक्टिवेट करवाते हैं तो सिर्फ आपके पास कॉल आएंगे, लेकिन जैसे ही आप रिसीव करेंगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो आप वहाँ जाके और भी वहाँ की लोकल सिम में वो भी परचेज कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपके पास प्रीपेड कनेक्शन है तो उस केस के अंदर आपका जो सिम कार्ड है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। फोटोग्राफ्स, हमेशा अपने साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, 3-4 फोटोग्राफ हैं साथ में रखें। क्यों? क्योंकि जब भी आप ऑन अराइवल वीज़ा पे जाते हैं
तो आपको वहाँ पे वीज़ा के साथ में पासपोर्ट फोटो लगानी होती है, साथ में अगर आपको सिम कार्ड परचेज करना है तब भी आपको नॉर्मली फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमेशा अपने वॉलेट में रखें या आपका जो हैंड बैग है उसमें रखें, हैंड बैगेज में रखें, जिसे हम केबिन बैगेज भी बोलते हैं, उसमें रखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपने चेक इन लगेज में अगर डाल दिया तो वो फिर आपको वो फ़ोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल पहले आता है और बाद में हमें लगेज मिलता है, तो उस केस में हमें नई फ़ोटोग्राफ बनानी पड़ेगी और एयरपोर्ट पर काफ़ी कॉस्टली होती है फ़ोटो बनवाना। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका जो पासपोर्ट है, वीज़ा है, उसकी स्कैन कॉपी साथ में रखें मोबाइल के अंदर, साथ में ही आप उसकी फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखें। भगवान ने चाहे आपके साथ ऐसा हो, अगर आपका पासपोर्ट खो गया तो उस केस में क्या करोगे, लेकिन अगर आपके पास में स्कैन कॉपी है तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी प्रिंट आउट है तो उनकी हेल्प से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आगे का जो रास्ता है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेदर, कहीं भी जाने से पहले वहाँ के मौसम के बारे में ज़रूर जान लें कि वहाँ का मौसम कैसा है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग भी करें। अगर आप डिफरेंट ट्रेवल जोन में, डिफरेंट क्लाइमेट जोन है उसके अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो कपड़े हैं वो हमेशा लेयर्स में पहनें। लेयर्स में पहनने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप अपने कपड़े उतार भी सकते हैं, और अगर सर्दी लग रही है तो वियर भी कर सकते हैं, पहन भी सकते हैं, क्योंकि आप जब डिफरेंट क्लाइमेट जोन के अंदर जब ट्रेवल करते हैं तो टेम्परेचर अप डाउन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। फ्लाइट टिकट के लिए आपको फिर से बता देता हूँ, अपना जो विदेशी ट्रेवलर का ग्रुप है फेसबुक पे, वो ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको फ़्लाइट से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स आती हैं, हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। साथ में ही आपको एक कॉमन जो बात है वो भी बता देता हूँ कि नॉर्मली फ़्लाइट्स हैं बुक करने का सबसे जो बेस्ट टाइम होता है वो 2 से 3 महीने पहले का टाइम होता है, कम से कम 2-3 महीने पहले बुक करें। और अगर आपको सस्ती फ़्लाइट चाहिए तो हमेशा मॉर्निंग की फ़्लाइट है उसे प्रीफेर करें, साथ में ही मॉर्निंग की फ़्लाइट में डिले होने के चांस भी काफ़ी कम होते हैं। लगेज, अगर हम लगेज की बात करें तो एक तो अपना हैंड बैग आ गया, दूसरा चेक इन बैगेज आ गया, दो बैग आ गए, तो जो हर एयरलाइन का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि उस हैंड बैगेज में आप सिर्फ 7 kg वेट है वो कैरी कर सकते हैं, 10 kg कैरी कर सकते हैं, 15 kg कैरी कर सकते हैं, नॉर्मली जो स्टैंडर्ड हो 15 kg का है कि हैंड बैगेज में आप 15 kg वेट है वो कैरी कर सकते हैं, तो हमेशा अपना हैंड बैगेज है उसी हिसाब से उतना ही कैरी करें। इसकी भी पर्टिकुलर साइज होती है उस, और जो ऑलरेडी टिकट होती है आपकी जो फ़्लाइट टिकट होगी उसके अंदर मेंशन होती है ये चीज़, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको साथ में कैरी करना है। साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि हमेशा अगर आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी कर रहे हैं, या मेडिसिन से रिलेटेड या कोई लिक्विड है वो कैरी कर रहे हैं, तो 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 ml से ज़्यादा है तो वो आपका चेक इन बैगेज में जाएगा, ना कि हैंड बैग में। हैंड बैग में अगर आप 100 ml से ज़्यादा का लेके जा रहे हो तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन जब होगी तो वहाँ से आपको निकलवा लिया जाएगा और डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। यूनिवर्सल चार्जर, जब भी आप इंटरनेशनली ट्रेवल करें तो हमेशा यूनिवर्सल चार्जर साथ में लेके चलें। हर कंट्री का अपना जो चार्जिंग पॉइंट होता है, और जो आपकी जो इंडियन पिन है वो वहाँ पे नहीं लगने वाली, तो वो ज़रूर परचेज कर लें, अदरवाइज वहाँ जाके आप परेशान होंगे और आपको नहीं मिलेगा, अगर वहाँ जाके मिलेगा तो वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा। मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ, ये यूनिवर्सल चार्जर है जो मैं यूज करता हूँ, मेरे साथ में भी ये हुआ था, मैंने यहाँ से लेके नहीं गया था, तो फिर मैं जर्मनी में मैंने इसको परचेज किया था, तो इसके लिए मैंने 4000 पे किया था। ये यूनिवर्सल चार्जर है जिसमें हर कंट्री कवर हो जाएगी, देख जैसे ये वाला जो पिन है ये दुबई के अंदर यूज होता है, जो मुझे जर्मनी में जो पिन यूज हुआ था वो ये वाला पिन है वो यूज हुआ था, तो इस तरीके से हर जगह का अपना चार्जर होता है, तो हमेशा ये यूनिवर्सल चार्जर है ये साथ में लेके ज़रूर जाएं। टाइम देखो होता क्या है, अपनी जो टिकट होती है उस पर एक बोर्डिंग टाइम होता है, एक हमारा डिपार्चर टाइम होता है,
तो बोर्डिंग टाइम पे हमेशा बोर्डिंग जहाँ पे बोर्डिंग हो रही होती है फ्लाइट के लिए वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। काफ़ी बार क्या होता है कि आराम से आप लॉन्ज में बैठ जाते हैं, लैपटॉप लैपटॉप पे लग गए, मोबाइल में लग गए और आपको पता नहीं चला। लोकल में तो क्या होता है कि क्रू और वहाँ का जो स्टाफ होता है वो कॉल करता है कि आप कहाँ पर हैं, लेकिन आप इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कॉल भी नहीं लगेगा, तो हमेशा टाइम से आप बोर्डिंग जो हो रही होती है वहाँ पे पहुँचें। इसके अलावा जो आपका जो टिकट होती है उसकी भी एक टाइमिंग होती है, तो अगर आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो जो टाइमिंग जो अराइवल जो टाइमिंग लिखी हुई होती है वो वहाँ की कंट्री की लिखी है, वहाँ का जो टाइम जोन है उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग जो लिखी हुई है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके कि वो अराइवल जो मतलब कब अराइव हो रही है। आपको उसी हिसाब से आइडिया लगाना होगा कि कितना जो टाइम आगे और पीछे चल रहा है मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। पैक लाइटली, हमेशा कम से कम लगेज अपने साथ में रखें, घूमने का काफ़ी मज़ा आएगा। प्लस एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आपके पास में वेट है वो कम है तो आप सपोज करो मॉर्निंग की फ्लाइट ली, अर्ली मॉर्निंग में पहुंच गए, जो होटल्स वगैरह और हॉस्टल्स हैं उनकी जो चेक इन जो टाइम होता है वो 2 बजे से लेके होता है, तो अगर आप में 8 बजे पहुंच गए तो फिर आपके लिए मतलब पूरा दिन यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा अगर आप चेक इन करते भी हैं, और आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा इसका आप यूटिलाइज ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास में वेट कम है तो आप उस वेट को साथ में लेके आप इजीली घूम सकते हैं जो भी आपके नियरेस्ट जो भी पॉइंट है वहाँ पे, और उसके बाद में जैसे ही आपका टाइम होता है वो आप चेक इन कर सकते हैं। प्लस आप ये चीज़ मत सोचें कि मैं 7 डेज के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, 15 डेज के लिए जा रहा हूँ तो मेरे पास में कपड़े कम पड़ जाएंगे, तो हमेशा आप अपने मिनिमम जितने कम हो सके उतने कपड़े साथ में लेके जाएं वहाँ पे। हाँ, अंडर गारमेंट्स वगैरह हैं, सॉक्स हैं, वो ज़रूर आपको ज़्यादा लेके जाने चाहिए, लेकिन जो कपड़े हैं वो ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह लॉन्ड्री ऑप्शन होता है वहाँ पे, आप वॉशिंग मशीन लगी हुई होती हैं, एक नॉमिनियल चार्ज लगता है और आप इजीली वहाँ पे वॉश कर सकते हैं और प्रेस कर सकते हैं, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम वेट के अंदर आप अगर घूमेंगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। फूड एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। एयरपोर्ट में एंटर करते हैं, सिक्योरिटी प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में वहाँ जो आउटलेट है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आप फ्लाइट में लेंगे तो उसी चीज़ के लिए आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ के लिए चाहिए, आप अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी आप खाते हैं, अगर आपको डर लग रहा है आप वेजिटेरियन हैं कि वहाँ पे मेरे को नहीं मिलेगा, तो आप ड्राई फ्रूट्स हैं, स्नैक्स वगैरह हैं इस टाइप की जो इस टाइप का, या स्वीट्स हैं इस टाइप की जो चीज़ें हैं खाने की, वो साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें वो सारी की सारी चीज़ें आप चेक इन बैगेज में डालें, अदरवाइज तो आपको हो सकता है वहीं पे फेंकना पड़े क्योंकि लिक्विड है वो अलाउ नहीं होता 100 ml से ज़्यादा। लैंग्वेज, जहाँ भी आप जाएं वहाँ जाने से पहले जो वहाँ की भाषा है, लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के जो कॉमन वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को ज़रूर जान लें। काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश यूज़ नहीं होती तो वहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो जहाँ पे आपको घूमना है और जो बेसिक वर्ड्स हैं वो ज़रूर जान लें ताकि आपको आइडिया रहेगा कि और वहाँ के लोग इजीली समझ पाएंगे और वो आपको इजीली गाइड कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। सारे के सारे ट्रेवल टिप्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पसंद क्यों नहीं आया, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो नोटिफिकेशन बटन है घंटा है उसे भी ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास जैसे हम वीडियो डालेंगे, वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे।